हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के बहुत से बच्चे एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, बार बार सर्च करते हैं कि जो कॉपी की चेकिंग होती है वो इजी होती है, मतलब लीनियंट होती है, या बहुत स्ट्रिक्टली कॉपी चेक की जाती है एग्जामिनर्स के द्वारा। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और इस सब का उत्तर आपको मिल जाएगा। जो भी मैं इसमें कुछ बताऊंगा एकदम रियल है, हम क्या सोचते हैं और क्या रियलिटी है, ये आपको जानने को मिलेगा ही। साथ ही मैं कुछ ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा जब कम लिखने के बावजूद भी उनको ज्यादा नंबर मिल गए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है, साथ साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। डाउट नेट पर होंगे अब आपके सारे डाउट सॉल्व सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में, जानिए कैसे। तो आपको करना है बस इतना कि जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसकी फोटो खींचनी है, उसे अच्छे से क्रॉप करना है कुछ ऐसे, उसके बाद सबमिट वाला बटन दबाना है। सबमिट करते ही आपको कुछ ही सेकंड्स में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल टॉप पर। तो इस तरह आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं डाउट नेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस कुछ ही सेकंड्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो याद रहे, डाउट हो तो डाउट नेट करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेकिंग को लेकर के, वो ये रहा है कि ना तो टीचर कोई बच्चों को स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करता है और ना ही कोई ऐसी कॉपी चेक की जाती है कि बच्चे ने कुछ लिखा ही ना हो और उसको नंबर मिल जाए। तो स्ट्रिक्ट और इजी जैसा मुझे कुछ नहीं लगा। एक चीज लगा कि जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या जो एग्जामिनर्स हैं, उनका ध्यान हमेशा एक बात पे रहता है कि हम स्टूडेंट फ्रेंडली कॉपी चेक करें, कि किसी बच्चे का नंबर किसी भी वजह से कटने ना पाए। एक दो नंबर, चार नंबर ज्यादा भले मिल जाए, नंबर कटे ना। तो मेरा यही मानना रहा है और यही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मार्किंग स्कीम के हिसाब से कॉपी चेक की जाती है। फिर भी बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसी बातें हुई हैं कि उन्होंने कम लिखा है, इसके बावजूद उनको नंबर ज्यादा मिल गया है। तो आइए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो स्ट्रेस में मत रहिएगा, निगेटिव थिंकिंग मत रखिए, हमेशा अच्छा ही सोचिए और उम्मीद रहेगा कि आपके साथ में भी अच्छा ही हो। तो आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि क्या क्या हुआ है बच्चों के साथ में। तो एक प्रणव जैन जी हैं, सीए कर रहे हैं ऑडिट एंड फाइनेंस से, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कोरा पे लिखा हुआ है कि जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है या जो भी बच्चों को मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से, या खुद मैंने एग्जाम दिया 12th में 2011 में, उस टाइम पे मेरे पेपर्स बहुत अच्छे नहीं थे और उस टाइम पे सबसे टफ पेपर आया था मैथ और अकाउंट्स का। अकाउंट्स में इनको 92 मार्क्स मिले, वहीं मैथ्स में इनको 85 मार्क्स मिले, जबकि इतना टफ था एग्जाम कि उसको कह रहे थे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी बहुत भारी पड़ रहा था। तो ये तो खैर 2011 की बात है, हो सकता है बहुत सारे बदलाव हुए हों, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आओ बच्चों दूसरा देखते हैं। मुकुल पिलानिया जी कहते हैं कि 2012 में ये पीसीएम स्ट्रीम में 2017 में 12th का एग्जाम इन्होंने दिया और कह रहे फाउंडेशन कोर्स हमने लिया हुआ था आईटी जेई का, तो बहुत अच्छे से तैयारी हुई थी, लेकिन थ्योरी पे कम फोर्स किया गया था, न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करवाए गए थे हम लोगों से, तो चूंकि डिफरेंट होता है जेई का सिलेबस उसमें। कह रहे कि अगर मैं सही सही बताऊं तो हुआ ये था कि 3 महीने में हमारी तैयारी हो गई थी अच्छे से और इंग्लिश में मैं 85 मार्क्स कर रहा था एक्सपेक्ट, लेकिन एक्चुअल में मुझे 95 मार्क्स मिले और फिजिक्स में एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था एकदम बिल्कुल, बाकी भी जैसा हुआ था उसमें हमको 93 मार्क्स मिले। तो कहीं ना कहीं इनके हिसाब से कॉपी लीनियंटली चेक होती है, ऐसा ये सोचते हैं। और ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हुआ, मतलब हमारे बच्चों ने हमको बताया जो कोचिंग पढ़ते हैं या जो हमारे स्कूल में हैं, उन्होंने कई बार एक्सपीरियंस शेयर किया। पहले बताते हैं कि सर मैं अभी आउट ऑफ 80 क्लास टेंथ में, पिछले साल एक बच्चे ने बताया कि सर 80 में से मैं 43 करके आया हूँ और इस बच्चे का जब रिजल्ट आया तो इसको मिला 67 मार्क्स, तो ये नंबर बढ़ा। ऐसे ही इंटरमीडिएट में फिजिक्स का पेपर पिछले साल बहुत टफ आया था, उसमें एक बच्चे ने बताया कि सर फिजिक्स में हमारे कुल अटेम्प्ट हुए हैं 23 और केमिस्ट्री में उसके अटेम्प्ट हुए थे 31। 23 वाले पेपर में उसको मिला 51 और 31 वाले पेपर में मिला 62 मार्क्स। तो इतने नंबर मिले, अब ये कैसे मिले ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता,
लेकिन जो भी रहा हो, आइए मैं आपको अगला दिखाता हूं, अगले बच्चे का। ये योगिता चौहान है, इन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा लीनियंटली कॉपी चेक होती है। जब मैं अपने 12th क्लास में थी तो बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हमने बहुत अच्छे से तैयार किया था, लेकिन क्वेश्चन जो थे 6 मार्क्स वाले बड़े चैलेंजिंग थे और कंफ्यूजिंग थे, लेकिन मैंने किसी तरीके से उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया और जो भी रिलेवेंट था उसके टॉपिक में हमने कुछ लिख दिया, एक बड़ा सा चार्ट हमने बना दिया। और मैं जानती थी कि हमारा लिखा गया उत्तर एकदम रॉन्ग है, एकदम गलत है, लेकिन जब रिजल्ट आया, करें कि जब मैं घर आई तो मैं बहुत रोई चिल्लाई भी जो इनके साथ में, और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने नंबर मिलेंगे। 90 से ऊपर के लिए हमने स्कोर किया था, मतलब हमने तैयारी करी थी, रिजल्ट जब आया, करें कि हम 85 पे बन रहे थे, बहुत अच्छे से स्कोर नहीं कर पाई। 90 हमने 90 प्लस की सोच रखी थी, लेकिन बहुत अच्छा पेपर नहीं गया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे 95 मार्क्स आए। तो कह रहे हैं कि ये भी हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो बच्चों ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ में। चलो एक और दिखाता हूं मैं आपको, ये रीता प्रसाद जी हैं, ये लिखती हैं कि हाँ लीनियंटली ही चेक होती है, और कह रहे हैं कि ये बात है कब की, 2019 की बात है, इन्होंने 2018 का एग्जाम दिया था। कह रहे हैं फिजिक्स का एग्जाम हमने दिया था जो कि एकदम रबिस लिखा हुआ था, कि जो एग्जैक्ट आंसर नहीं थे, कुछ भी हमने लिख दिया था जो हमको पता था। हाँ, हैंड राइटिंग हमारी क्लीन थी और कुछ डायग्राम्स हमने बनाए थे सेमी कंडक्टर्स पार्ट वाले से। और फिर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगी और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, खाना वगैरह नहीं खा पा रही थी, जो भी आप जानते ही हो कि क्या होता है। और इसी चक्कर में इनका केमिस्ट्री का भी एग्जाम बेकार चला गया, तो ये समझ रही थी कि दोनों में इनको फेल हो जाना है। और ये लगभग 1 महीने तक डिप्रेशन में रही, उसके बाद में इनका रिजल्ट आया और ये जब इन्होंने रिजल्ट देखा तो ये शॉकिंग रह गई, 41 नंबर मिला 70 में से फिजिक्स में, और 50 मार्क्स मिले 70 में से केमिस्ट्री में। कह रही हैं कि उसके बाद तो मैंने पार्टी वगैरह की, और हमेशा तैयार रहिए, अच्छा सोचिए। तो अगर आप इतना बेकार लिख के आते हो फिर भी इतने मार्क्स आपको मिल जाते हैं। फिर आइए चलते हैं, एक्स प्रिंसिपल हैं सीबीएसई के श्री अमित सिंह जी, इन्होंने क्या लिखा हुआ इसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो इन्होंने भी वही बात लिखी है जो हमने भी आपसे कही कि ये ना लीनियंट होती है ना टफ होती है, और ये जो कुछ भी है इन्होंने बताया है और एग्जैक्ट सही भी लगता है इनका बताया हुआ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दो तरीके हो सकते हैं, दो बातें इसमें होती हैं। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स के आसपास मिल रहे, मान लिया 80 का पेपर है और आप 75 प्लस पा रहे हो, तो जो इवेल्युएटर होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो थोड़ा ज्यादा सावधान हो जाता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो जाता है आपको नंबर देने में, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब अगर आप दूसरे केस की बात करें कि आप किसी वजह से बॉर्डर लाइन पे आ रहे हो, मान लिया 23 की जरूरत है या 27 की जरूरत है, आप 25 पा रहे हो या 24 पा रहे हो, मतलब पासिंग मार्क से 2-4 नंबर कम पा रहे हो, तो इवेल्युएटर भी ये सोचता है लीनियंसी दिखाओ, किसी तरीके से इसको पास कर दिया जाए। तो एक बात रखे रहिएगा कि हमेशा जो मार्किंग रूल होता है, कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर कभी कोई ऑब्जेक्शन लगे, तो इसी के आसपास सब लोग होते हैं। एक और आंसर आपको दिखाते हैं, श्री सूरज गौर जी लिखते हैं, बी कर रहे हैं, ये बताते हैं कि हमारे हिसाब से कॉपी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है। उसके बाद में इन्होंने कुछ सुझाव यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी चाहिए, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं डायरेक्टली इनके कहे गई बातों पे आता हूँ जो इनका एक्सपीरियंस रहा है। लिख रहे हैं कि मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 2018 में और 50 से 55 नंबर हमने केमिस्ट्री में एक्सपेक्ट किया था, और फिजिक्स में मतलब 50 से 55 नंबर के बीच में केमिस्ट्री और फिजिक्स में इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो कि 70 का होता है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, आपको पता है। तो 70 में से 50 से 55 के बीच में इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, और इनको ये लिखते हैं कि मुझे पता था कि जो भी आंसर हमने लिखे उसमें से कुछ आंसर रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे 65 नंबर मिला इनको दोनों में, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी 65 मार्क्स मिले, तो ये कैसे मिल गए। ये कह रहे हैं कि मैंने जब रिजल्ट देखा तो मैं कंप्लीटली शॉक रह गया और मुझे इतने ज्यादा नंबर मिले थे। तो बच्चों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या रहा है,
मैं आपको बताऊं, ढेर सारे मैसेज हमको आते हैं कि सर मेरा पेपर बहुत खराब गया, अच्छा नहीं गया, मैं पास हो पाऊंगा या पास हो पाऊंगी कि नहीं, या जो भी है। बहुत से बच्चे तो कहते हैं सर पेपर मेरा छूट गया, इतना मैंने नहीं किया, ये नहीं किया। मैं आपसे क्या कहता हूं कि अभी निराश मत होइए। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, आपको पता है कि 2 ही नंबर का आपने अटेम्प्ट किया है या 10 ही नंबर का अटेम्प्ट किया है, तो आपके साथ है कि आप फेल हो सकते हो। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो अपनी उम्मीद मत खोइए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे फेल का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और वो पास हो गए हैं। हालांकि नंबर अच्छे आए या नहीं आए ये बात अलग थी, लेकिन अगर आपने कुछ छोड़ दिया है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत छूट गया है, तो उम्मीद मत हारिए, आपको भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं, अभी इंतजार करिए। अब जो ये यूट्यूबर्स बताते हैं कि सभी लोग पास हो जाएंगे, तो मैं इसकी बात आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आज तक कभी भी 100% रिजल्ट नहीं गया है, तो सभी लोग तो पास हो ही नहीं सकते। ये अपने वीडियो पे व्यूज बढ़ाने का ये होता है कि जिन बच्चों का पेपर खराब गया होगा वो हमारे वीडियोस को देखेंगे और हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, आप फेल हो सकते हो, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि आपको रिजल्ट आने के बाद 1 ही महीने का टाइम मिलेगा, गिना चुना 20-25 दिन का टाइम आपको मिलेगा अपना कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए। तो तैयारी अभी से किए रहेंगे तो उस टाइम आप पहले चांस में ही निकाल लेंगे और आपका 1 साल खराब होने से बच जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं, चाहे स्टडी मटेरियल में या पढ़ाई में, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। व्हाट्सअप का नंबर आपको अभी मैं दे रहा हूँ।